ये पेशेंट नाजमा मेरे पास करीब 15-20 दिन पहले आए थे शामली से। आप इनके हस्बैंड ने थोड़ा बताइए। चौधरी मुस्तकीम हसन, जनपद शामली। मेरी वाइफ नाजमा हसन 15 दिन एडमिट शामली में रही और जब वहाँ से डॉक्टर से बेबस हो गई तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में जाइए। और डॉक्टर सरीन है गुर्दे की, इन्हें परेशानी थी वहाँ पर, वो गुर्दे का इलाज नहीं कर सके। उन्होंने डॉक्टर सरीन साहब का नाम लिया और हम यहाँ बिल्कुल डेड अवस्था में 5,000 की एम्बुलेंस करके यहाँ पर आए। इन्हें कुछ नहीं पता था और इन्होंने डॉक्टर साहब होश भी नहीं था, बिल्कुल बेकार थी। और डॉक्टर साहब, लेकिन आपको वहाँ शामली में बोला गया था डायलिसिस के लिए। बिना डायलिसिस हमने एक भी डायलिसिस नहीं किया। जी, और बिना डायलिसिस के इलाज किया। जी जी, बिना डायलिसिस के इलाज किया और ईश्वर की कृपा रही और डॉक्टर साहब की मेहनत से आज हमारे घर में खुशी है कि हमारे बीच हमारी बीवी है, अपने बच्चों के संग बैठी है। तो ये जब आए थे तब क्या हाल था और अब क्या हाल है? अब तो ये जी, जब इनको होश नहीं था, जब होश नहीं था, बिल्कुल डेड थी, बिल्कुल। अब होश में आ गई, सब कुछ ठीक है। अब खाना वाना सब ठीक खा रही है? जी जी, खाना वाना सब कुछ सही है और इस वरना चार ठीक होगी और 15 दिन बाद और सहूलियत मिल जाएगी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। निर्मला जी, आप मेरे पास 2 साल पहले आई थी, हाई बीपी था और सर में दर्द भी होता था काफी ज्यादा और कुछ किडनी प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा बताइए। मैं करीब 5-6 साल पहले से मुझे सिर में बहुत दर्द रहता था, माइग्रेन डॉक्टर ने बताया था और मैं उसके लिए बहुत पेन किलर्स भी खा रही थी। और उसके बाद फिर एक बार टेस्ट करवाया, मैं दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया तो मेरा क्रिएटिनिन जो था 3.1 के करीब आया। वो डॉक्टर ने यही कहा कि माइग्रेन नहीं, वो आपका बीपी की वजह से ये दिक्कत थी। तो उसके बाद डॉक्टर्स को दिखाया तो यही कहा कि भाई अब तो उसकी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मैं खुद भी बहुत डर गई थी कि कहीं अब डायलिसिस पे ना जाना पड़े। लेकिन उसके बाद 2 साल पहले मैं डॉक्टर सरीन से मिली और यहाँ। बट आप एक बड़े हॉस्पिटल, कहाँ? साउथ दिल्ली। हाँ, साउथ दिल्ली में। तो वहाँ क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने? उन्होंने यही कहा कि अब ये इतना आपका ट्रीटमेंट हो गया है तो ये दिन ब दिन और डिटेरियोरेट होता जाएगा और बढ़ता जाएगा और आपकी कंडीशन होती जाएगी खराब। तो सिर्फ मेडिसिन कर सकते हैं और ज्यादा ऐसा कुछ, मतलब मेरे को कुछ पॉजिटिव उन्होंने वो नहीं दिया। फिर डॉक्टर सरीन से जब मैं मिली तो उसके बाद 2 साल मेरे को दवाई खाते हुए हैं। एक तो मेरी बहुत सारी मेडिसिन थी, 7-8 डॉक्टर साहब की वजह से वो दवाइयाँ भी उन्होंने कम की और आज मेरा क्रिएटिनिन जो है 1.2 आ गया नॉर्मल, जो कि कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है कि रिवर्स हुआ है। काफी रिवर्स हुआ है, 3.1 से 1.2 क्रिएटिनिन आ गया, काफी रिवर्स है और अब तो आप डायलिसिस का नाम भी नहीं ले सकते ना सोच सकते। जी जी, एंड यू फीलिंग क्वाइट ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच।